चारों धर्म की तरफ से सभी को शुभेच्छा देते हैं और एक ही भैया भाईचारे का पैगाम है जो सभी समाज के लोग सभी धर्म के लोग आज एक जगह विधान है जिसके वजह से आज हमें अधिकार मिला है। अगर बाबा साहब न होते तो हम न होते, ऐसी है। हम महापुरुष की बराबरी तो नहीं कर सकेंगे लेकिन आदर्शों पे चढ़ के नाखून बराबरी भी करने की कोशिश करें तो हमारा जीवन सफल होगा। मैं यही दो शब्द बोल के समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। शुभेच्छा देता हूँ 14 अप्रैल की मेरे सब भाइयों को और मुसलमान भाइयों को रमजान की ढेर सारी शुभकामना देता हूँ। मेरे सब महाराष्ट्र के औरंगाबाद के रहने वाले जो पेपर मीडिया के अंदर आ रहा है ये भूंगे निकालो ये निकालो, तो मेरे सब समाज से गुजारिश है क्या ये अफवाह के ऊपर मत जाओ। अपने को औरंगाबाद शरंगाबाद जिला बनाना है, सुख शांति रखना है और डॉक्टर बाबा साहब के नेतृत्व पे इनके संविधान पे पूरा महाराष्ट्र पूरा इंडिया चलेगा। हमारे साथे बाबूराव कदम हमारे मार्गदर्शक। मैं पहले मेरे परिवार की तरफ से पूरी वाल्मीकि समाज से मैं शुभेच्छा देता हूँ और मैं ये चाहता हूँ जो ये चालू है टीवी के ऊपर भूंगे निकालो निकालो इसके ऊपर ध्यान दीजिए। जय भीम, जय भारत। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर 131वीं जयंती आज पूर्ण देशात आणि औरंगाबाद मध्ये या ठिकाणी जल्लोष आणि प्रचंड उत्साहात या ठिकाणी साजरी करण्यात येत आहे। आज बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंतीच्या निमित्ताने भडकलगेटला तरुणाई आणि सर्व नागरिक आज लाखोंच्या संख्येने या ठिकाणी उपस्थित आहेत आणि बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंतीच्या एकमेकांना शुभेच्छा देते। मी या निमित्ताने हे सांगेन की बाबासाहेब आंबेडकरांनी या देशाला राज्य घटना दिली आणि या राज्य घटनेच्या माध्यमातून या देशामध्ये लोकशाही या ठिकाणी नांदते आणि आपण सर्वांनी या ठिकाणी लोकशाही प्रमाणात राहिलं पाहिजे। हिंदू मुस्लिम भाई भाई हम सब मिलके बाबासाहेब आंबेडकर की जयंती यहाँ मना रहे हैं, इसलिए मैं और एक बार सभी मेरे भाइयों को सभी मेरे दोस्तों को बाबासाहेब आंबेडकर जयंती के हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ और यह जयंती खुशी से मनाना चाहिए, शांति से मनाना चाहिए, भाईचारा से मनाना चाहिए। कल की मिरौनक भी बहुत देर से चलेगी, बहुत देर तक चलेगी और लाखों समाज यह मिरौनक में शामिल होगा। इसी साथ मैं सबको और एक बार शुभेच्छा